सो माय नेम इज़ आफ्ताब हसन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी रात के बज रहे लगभग मैं 2:30 और मैं अभी जस्ट अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके फर्स्ट टाइम लॉग आउट कर रहा हूँ। और अभी कल सुबह 7 बजे मेरे को एक राइड पे निकलना है जो कि मेरा लॉन्गेस्ट राइड रहेगा अभी तक MT15 में। तो अभी बस 3 से 4 घंटे के लिए सोने मिलेगा, तो अभी मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ और मैं मिलता हूँ कल सुबह आपसे। ऑलराइट, सो एक नए दिन और एक नए राइड की शुरुआत हो चुकी है। अभी फ़िलहाल के लिए बज गया है सुबह का 8:30। जो प्लान था वो 8 बजे निकलने का था, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। अभी हमेशा की तरह अपने शेड्यूल टाइम से थोड़ा लेट हुई और ये राइड कहाँ की है वो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ। अभी मैं अपने शेड्यूल टाइम से 1/2 आवर लेट चल रहा हूँ। हम लोग का जो प्लान था वो 8 बजे तक घर से निकल जाने का था, लेकिन अभी 8:30 बजने को आ गया है और अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले घर से निकला हूँ। तो हमारा जो रोड मैप है वो ये है कि सबसे पहले मेरे को रामगढ़ जाना है। रामगढ़ में मेरा भाई है, उसको पिकअप करके देन हम लोग जो अपना डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये जो टोटल राइड है वो अप एंड डाउन पकड़ के 550 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रहेगा, मतलब 230 किलोमीटर जाना प्लस 230 किलोमीटर वहाँ से वापस आना घर पे, तो मोर देन 550 किलोमीटर हो जाएगा। और अभी जो सबसे मेन काम है वो इसका फ्यूल अप करवाना है। ऑल दो इसका जो माइलेज है वो 45 का है, 45 टू 46 अभी ये माइलेज देता है, बट स्टिल एटलीस्ट 10 से 12 लीटर का फ्यूल लगेगा। नियरली 3 to 4 लीटर फ्यूल है और बाकी का जो 7 to 8 लीटर फ्यूल लगेगा वो आगे फ्यूल अप करवाना पड़ेगा। तो हम लोग राइड पे जा रहे हैं लोध वाटरफॉल। जो लोध वाटरफॉल है वो झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है और इंडिया में 21st नंबर पे आता है हाईएस्ट वाटरफॉल्स में। और इसका जो रोड मैप है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लगा देता हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है अभी। तो हम लोग आगे में अभी यहाँ से लेकर मांझी तक तो देखा हुआ है मेरे को, तो वहाँ तक बिना मैप के भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ से मैप लगाना पड़ेगा। और मेरा जो फ़ोन होल्डर था वो भी ख़राब हो गया, तो एक्चुअली पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है तो उसको फ़ोन पकड़ा दूँगा मैप के साथ में, तो वो गाइड करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। और हम लोग पहले से ही 1 घंटा लेट हो चुके हैं। हम लोग का प्लान था कि 8 बजे तक रामगढ़ से निकल जाना, लेकिन अभी 9:20 हो गया और हम लोग अभी रामगढ़ में ही हैं। तो नियरली टोटल जो राइड है वो 550 किलोमीटर्स का है, जो कि हम लोग ट्राई करेंगे जो डिस्टेंस है वो 8 घंटे में कवर अप कर लेने का। और फिर वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए भी 2 घंटा रखेंगे। और जो वाटरफॉल है वो 4 बजे बंद हो जाता है, मतलब उसका जो एंट्री गेट है वो 4 बजे ही बंद हो जाता है। तो अगर आप निकल रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली निकलना, हम लोगों को तो पहले ही लेट हो चुका है। और ये है रामगढ़ का टिकर स्टैंड, यहाँ से ही आपको सारी जगह का जो शेयरिंग वाला ऑटो या फिर शेयरिंग वाला जो टिकर रहता है वो भी मिलेगा। और आगे में है बस स्टैंड, यहाँ से आप रांची के लिए इजीली बस ले सकते हो और भी बहुत सारे जगहों के लिए यहाँ से बस मिल जाता है आराम से। और ये है रामगढ़ का बस स्टैंड, यहाँ से आपको जमशेदपुर, बिहार शरीफ, धनबाद सभी जगह के लिए बस मिल जाएगा आराम से। आसनसोल, दुर्गापुर सभी जगह के लिए आराम से बस मिल जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल हाईवे में निकल चुके हैं। हाईवे है वो रामगढ़ से राजीव को पानी करता है, तो हम लोग को और मांझी तक जाना है। और मांझी के बाद एक टर्न है, वो टर्न लेके हम लोग आगे निकल जाएंगे लोध वाटरफॉल्स के लिए। तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, लगता है कि चेकिंग चालू है, लेकिन चेकिंग तो है नहीं। हम लोग निकल जाएंगे फटाफट और यहाँ से रांची 34 किलोमीटर्स और रांची अब यहाँ से 33 किलोमीटर्स, यानी 1 किलोमीटर जो है हम लोग ने 10 से 12 सेकंड में कवर अप कर दिया है। तो ये पत्थर देख रहे हैं आप, हाँ जो रॉन्ग साइड से आते हैं ना उनसे थोड़ा बच के ही चलो, उनके सामने से थोड़ा धीरे ही निकलो तो सही है।
हम लोग का टोल गेट आने वाला है, पहला टोल गेट रात यहाँ से 29 किलोमीटर से, और जो पहला टोल गेट है वो 500 मीटर के बाद में है। तो यहाँ पे आपको बाइक के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, बाइक लेकर साइड से आराम से निकल सकते हो, बाइक से साइड से निकल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत सारे ब्रेकर्स और जब भी हम लोग लास्ट टाइम राइड पे जा रहे थे ना, तो ये यही वाला टोल था जहाँ पे हम लोग को कुछ राइडर्स मिले थे, और उसके बाद हम लोग ने जो जर्नी है वो साथ में ही कंटिन्यू किया था। और मैं सोच रहा था कि आज भी कुछ राइडर्स मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई राइडर मिला नहीं है। सो इट्स टाइम टू फ्यूल अप नाउ। हम लोग ने तकरीबन 30-40 किलोमीटर्स तो कवर कर ही लिया रहेगा। यहाँ से फ्यूल भरा लेते हैं, 24 आवर्स वॉकिंग पेटीएम भी हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे डला रहे फ्यूल पूरा फुल, जीरो हो गया। वही तक आने दे, बस थोड़ा 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 बस बस काफी है। 40 कर दे। हाँ कर दी, बस हो जाएगा। तो 540 रुपये का फ्यूल आया है। तो फ्यूल का टेंशन खत्म, 540 रुपये का फ्यूल आया, मतलब लगभग में 5.5 लीटर, और इसका जो टैंक है वो लगभग में 11 लीटर का है। लगभग में क्या मतलब, 11 लीटर का ही है। तो जो टोटल फ्यूल था इसमें पहले से वो 5.5 लीटर। ओके, तो अभी हम लोग गिरबा क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग अब पहुंच चुके हैं नेहरू का जो टर्न है वहां पे। तो आप यहां पे जैसा कि देख सकते हो आगे में टर्न है, गोल चक्कर है, वो तो पूरा घुमा करके राइट साइड में मुड़ जाना है हम लोग को। और ये है नेहरू मोड़, यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो रांची पहुँच जाएंगे। इस साइड पे आप जाओगे तो आप कांके पहुँच जाओगे, तो हम लोग कांके साइड ही जाने वाले हैं। Thank you.
ऑल राइट, सो फिलहाल से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं लोथ वाटरफॉल एंड यहाँ पे आपको एंट्री करवाना पड़ेगा। ऑल राइट सो गाइस, हम लोग फाइनली एंट्री ले चुके हैं लोथ वाटरफॉल में। मेरे को लगा था कि नहीं मिलेगा एंट्री क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेकिन मिल गया है और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा ऑफ रोड वाला रास्ता है। अंदर में पता नहीं पार्किंग है भी लिखी नहीं है, बाहर में तो पार्किंग का पैसा ले लिया है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। अगर टॉप तक लेके जा पाएंगे तो बहुत अच्छा है, चलने से बच जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि टॉप तक लेके जा पाएंगे। और हाँ, बाहर में हम लोग से 40 रुपये लिया गया है, 20 रुपये व्हीकल का और 10 रुपये पर पर्सन। तो अगर आप भी व्हीकल लेके आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पे गूगल पे पेटीएम कुछ नहीं लेते हैं, ओनली कैश। तो मेक श्योर कि आप कैश लेके आ रहे हो, बाकी अभी व्यू को एंजॉय करो आप। ओह, पहला वाटर क्रॉसिंग आ चुका है हम लोग का, मेरे लाइफ का पहला वाटर क्रॉसिंग पार कर चुका हूँ। लगी है कि हम लोग थोड़ा आगे लेके चलते हैं क्योंकि आगे रास्ता जा रहा है। ओ भाई साहब, देख रहे हो कितना खतरनाक है। ओके, तो यह है लो जल प्रपात का एंट्री गेट। ओके, तो हम लोग ने गाड़ी पार्क कर दिया है और एंट्री भी मिल गया है। अब हम लोग थोड़ा जा रहे हैं शौचालय यूज़ करने। सो गाइस, अभी जैसा कि आप फाइनली देख सकते हो कि हम लोग फाइनली यहाँ पे एंटर हो चुके हैं लोथ वाटरफॉल्स में। और यहाँ पे जो सीढ़ी है वो आपको ऊपर चढ़ के जाना होगा और यहाँ से आपको ग्लिम्स दिख जाएगा वाटरफॉल का। और यहाँ पे प्लास्टिक का जो भी सामान आप लेके आ रहे हो तो पर सामान पे आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा और स्टिकर एक लगा के मिलेगा। और वापस टाइम ज़्यादा टाइम आप वो स्टिकर वापस दे सकते हो और 10 रुपये ले सकते हो। तो मेक श्योर यहाँ पे भी पेटीएम या फ़ोन पे नहीं लेते हैं, ये लोग भी फुल कैश। तो मेक श्योर कि आप कैश कैरी कर रहे हो। और ये है ऊपर में वाटरफॉल। और एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिलेगी ट्रक करने के लिए। वैसा प्रॉपर जंगल वाला ट्रक नहीं है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई हुई है। हाँ, हालत ख़राब होगा थोड़ा, बट ठीक है। अभी हम लोग ने भी शुरू किया है, बस 5 मिनट हुआ है और अभी कम से कम मेरे को लगता है 10 से 15 मिनट का और ट्रक बाकी है। ओह, यहाँ पे आप फॉल कर लो देखो।
ओके सो गाइस अभी हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, तो मिस्टर राज बताएंगे यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, बताइए सर। बहुत हार्ड और यहाँ तक आने में हालत खराब। तो यहाँ तक एक्चुअली आने में ही हालत खराब हो गया, बट ठीक है अभी और वापस अभी जाना भी है 220 किलोमीटर, बट ठीक है जो भी था काफ़ी सही था। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते, बाकी देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं एक नए से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।